नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं हिश तिवारी आपका बड़ा भाई आपके सामने आ चुका हूँ आज के बहुत ही शानदार प्यारे से, से सेशन को लेके तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है आपके इस बहुत ही शानदार प्यारे से परिवार में जिसका नाम है क्यूब ट्रिक्स बाय साहिल सर सा। तो साथियों तैयार हो जाइए आज बहुत शानदार बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन करने वाले हैं और यकीन मानने का साथ है कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाला है आज ना कुछ अलग करने की सोची है मैंने ठीक है मतलब हम नॉर्मली क्वेश्चन तो पढ़ते पढ़ते हैं लेकिन आज मैं कुछ अलग करने का सोच का आया हूँ लेकिन करने से हम देखिए क्लास को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा छोटा सा पॉइंट की आपके लिए एक बहुत बड़ी रणनीति है जो ला दी जा रही है परसों तो मैं ये बताना चाहता हूं देखिए साथी सबके सबको कि 9 फरवरी सुबह ग्यारह बजे आप लोगों के लिए इस परिवार पे बहुत बड़ा धमाका है जो किया जाने वाला है तो आप सबके सब, सब जरूर जुड़ेगा 9 फरवरी सुबह ग्यारह बजे क्योंकि बहुत बड़ा सरप्राइज है जो आपके लिए यहां पे लेके आ रहे हैं हम लोग और यकीन मानिए कि आपकी तैयारी सबसे बेस्ट होने वाली है ना भूतो ना भविष्य वाली बात है ना भूतकाल में कभी ऐसा हुआ है ना भविष्य में कोई ऐसा करने वाला है ये पहली बार आपके परिवार पे आपके भाइयों के द्वारा यह काम किया जाएगा दूसरा बात ये जो कैलेंडर जारी हो चुका है अब इस कैलेंडर के लिए आपकी फ्री प्रैक्टिस सेशन चल रही है तो आप देखिए साथियों यूट्यूब पर फ्री प्रैक्टिस सेशन को हमारे साथ में कर सकते हो बहुत बड़ी तैयारी कर सकते हैं और क्लास को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा सबको ये एक बार जल्दी से जल्दी से जल्दी मेरे जितने भी छोटे भाई बहन है वो लाइक मारें यहां पे शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलिए क्योंकि बेटा कमेंट के थ्रू ना मैं समझ पाता हूँ छोटे भाई बहनों को एक्चुअल में दिक्कत है कहां पर तो आपकी सारी सारी बातों को मैं समझ पाता हूँ जहां पे तुम्हें दिक्कत आती है चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की इस बहुत ही शानदार क्वालिटी एजुकेशन को और हम देखिए फोकस करेंगे क्वालिटी पर भी और क्वान्टिटी पर भी तो आज मैं आपके सामने पचास क्वेश्चन लेके आया हूँ और इन पचास क्वेश्चंस को हम बहुत डिटेल से बहुत कंसेप्चुअली इनको समझने वाले हैं ठीक है ठीके? चलो तो जल्दी से बेटा सबके सब तैयार हो जाइए बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है पहला क्वेश्चन दिया कि आपके स्क्रीन पर तो शुरू हो जाइए जल्दी से बहुत शानदार क्वेश्चन है हमारे पास में बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है जो आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ चलो जल्दी से बताओ सबके सर सब। चलिए शुरू करते हैं साथियों पहले क्वेश्चंस को पहले क्वेश्चन को क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से सुना बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक होने वाले हैं बताइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से वो कौन सा रीजन है पे समझना पड़ेगा देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे ज्यादा जो यहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं वो कहां पे मिलते हैं तो हमारे पृथ्वी पे ना बहुत सारे रीजन देखने को मिलेंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पृथ्वी पर ना आपको बहुत सारे रीजन देखने को मिलते हैं तो ये एक एरिया लाइन है जिसको हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं

अब आपको मैं ये बता दूं कि हमारे पृथ्वी में सबसे ज्यादा यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो कहां पे मिलेंगे तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो प्लांट्स मिलते हैं वो बेसिकली आपको इस एरिया में मिलने वाले हैं और ये जो एरिया आपको मिलता है ना बच्चे इस एरिया को हम क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया और ट्रॉपिकल एरिया को हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तो भारत के अलावा हम जो पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो यहाँ पे पेड़ पौधे मिलेंगे जीव जंतु मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे तो सबसे ज्यादा बेटा कहाँ पे मिलते हैं तो आंसर इस एरिया में पाए जाते हैं तो इस एरिया को देखिए बच्चे हमने नाम दिए जिसे बोलते हैं वार्म वार्म्रॉपिकल जिसे हम बोलते हैं गर्म उष्ण है। तो ये जो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो इलाका होता है ना विश्व में सबसे ज्यादा प्लांट्स की डेंसिटी मिलती है आपको बता दो विश्व में सबसे ज्यादा घने पेड़ और सबसे ज्यादा ऊंचे पेड़ आपको इसी क्षेत्र में है जो देखने को मिलेंगे इसलिए इसका आंसर आंसर बच्चे क्या हो जाएगा देखिए हमारा होने वाला है पे क्या होने वाला है जिसको हम सिंपल सी भाषा में ट्रॉपिकल एरिया बोलते है। हैं लॉजिकली ये कहा से कहा तक है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में है कर्क रेखा को ना अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी तो

तो आप जरा इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना क्या क्वेश्चन देखिए पूछा गया सुनो इसे क्या बोलते हैं इकोलॉजी बोलते हैं इको है, पे ऑटोकोनोलॉजी बोलते हैं सिंकोलॉजी बोलते हैं आपको बता दो, सुनो छोटा सा पॉइंट जब पे जीव जंतु पर्यावरण के बीच में, में अध्ययन की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी क्या बोलते हैं इकोलॉजी इसी इकोलॉजी के अंदर हम इको का अध्ययन करते हैं ये फैक्ट भी यहाँ पे समझना तो बेटा इको तो वो तंत्र है जिसमें सब कुछ रहते हैं मतलब मैं क्या बता रहा हूं सुनो देखो अध्ययन की बात की जा रही है अध्ययन की बेटा स्टडी जो होती है वो इकोलॉजी होती है और ये जो इकोलॉजी है वो किसके अंदर डेवलप होती है तो आंसर इकोसिस्टम में होती है आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर सारे के सारे पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं वो हमारा तंत्र बनाता है और उस तंत्र को हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं इकोसिस्टम बोलते हैं लेकिन उस इकोसिस्टम में इनका जो स्टडी की जाएगी अध्ययन जो किया जाएगा उसे बोलते हैं इकोलॉजी तो सेकंड का जो सही आंसर बच्चे वो ए होने वाला है बहुत बढ़िया देखो आप में से कितने बच्चे हैं जो इसका आंसर गलत करने वाले हैं पहले कह रहा था भैया क्वेश्चंस बहुत बढ़िया लेके आया हूं मैं मजेदार क्वेश्चन लेके आया हूं इजी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है लास्ट क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं ठीक है जल्दी बताइए सबके मुझे कॉमेंट के अंदर मजा आया कि नहीं आया ठीक है एक बार दबा के बेटा सबके सब लाइक मार दो यार देखो मैं हमेशा नहीं कहूंगा आप लोगों से बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं लाइक्स बहुत कम होती है अच्छी बात नहीं है तो जितने भी मेरे छोटे भाई बहन है एक बार जाओ जल्दी से लाइक मार दो थोड़ा सा और हाँ यार एक दिन का समय बचा है इस चैनल को ना वन मिलियन जरूर करना है ठीक है चलो तीसरा क्वेश्चन बताइए जल्दी से देखिए द फ्लोरा और फोना जो लेक्स और पॉइंट्स में पाए जाती है उसे क्या बोलती है झीलों या तालाबों में वनस्पति और जीवों को क्या कहा जाता है देखिए झील और जो तालाब होते हैं वहां पे पानी का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है पहली बात ये है तो हम जब बात करेंगे साथियों तो यहाँ पे आपको बता दो है उस लिमिटेड एरिया में पाए जाने वाली जो वनस्पति होती है इन वनस्पतियों को साथियों क्या कहा जाता है तो इन वनस्पतियों को बच्चे बोलते हैं लेंटिक बायोटिक क्या बोलते हैं लेंटिक बायोटा बोलते हैं सुनो तो जब यहाँ पे पानी का क्षेत्र बहुत सीमित होता है पहली बात तो ये उस समय पाए जाने वाली जो वनस्पतियां होती है उस में उसके अंदर पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनको क्या बोलते हैं बायोटा बोलते हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चन बनता है तो झीलों में और तालाबों में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो फूल होते हैं फल होते हैं इसके अलावा जो वनस्पति पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं लेंटिक बायोटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से बनेगा नहीं नहीं लॉटिक बायोटा नहीं है लॉटिक बायोटा बेटा खुले स्थानों पर है जहां पे पानी लगातार चल रहा है वहां पे लॉटिक बायोटा है जहां पे पानी रुका हुआ है वहां पे कौन सी लेंटिक बायोटा है अब खुद ही बताओ कि जो लेक्स होती है पॉइंट होती है क्या उनमें पानी चलता रहता है नहीं चलता उनमें पानी फिक्स है उनका पानी का जो क्षेत्रफल वो फिक्स होने वाला एरिया फिक्स होने वाला है तो ऐसी कंडीशन में जो आंसर हमारा हो जाएगा वो लेंटिक बायोटा हो जाएगा लॉजिकली है अजैविक बायोटा मतलब जिसके अंदर किसी प्रकार से जीवन नहीं है तो ये फैक्ट भी यहां पे समझिएगा लॉजिकली है बोलो हाँ या ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से सल्फरिक एसिड यहाँ पे किस तरह का एसिड देखिए माना गया अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सल्फरिक एसिड का जो फॉमुला बनता है वो बनता है H2SO4 अब आपको मैं बताऊं देखिए छोटा सा पॉइंट जैसे HCl है तो एस HCl बच्चे हमारा कैसा है मोनोबेसिक है कैसा मोनोबेसिक है अगर मैं बात करता हूं एच ओनो थ्री के बारे में ये हमारे बच्चे कैसा है मोनोबेसिक है लेकिन एच टू एसओ फोर की बात करते हैं तो इसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स या है, दो हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स हैं साथियों है। वो यहां पे आने वाले हैं

देखिए दो चार को न्यूट्रलाइज कर देगा यहां पे क्या कर देगा बच्चे न्यूट्रलाइज कर देगा तो ये कैसा होने वाला है होने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये

भैया रेड कलिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे चूहों को मारने वाली जो दवाई होती है उसकी बात हम बात करेंगे ठीक है चलो क्या डी का बताओ बेटा डी का मतलब क्या बताओ बेटा डी के एक्साम्पल्स बहुत कम होते हैं देखिए तो हम जब बात करेंगे छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझने का प्रयास करना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा कि बेटा रेड किलिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं तो रेड किलिंग के लिए देखिए इस्तेमाल करते हैं जिंक फॉस्फाइड का किसका जिंक फॉस्फाइड का तो जिंक फॉस्फाइड हमारे वो तत्वों में शामिल है जिसका इस्तेमाल हम रेड किलिंग के लिए करते हैं तो चूहे मारने वाली जो दवाई आती है या चूहे मारने वाला जो, जो जहर आता है उसके अंदर देखिए जिंक फॉस्फेट का या जिंक फॉसफाइड का इस्तेमाल किया जाता है तो कृतक नाशक मतलब यहाँ पे हम रेड किलिंग के इस्तेमाल की बात करने वाले ठीक है चलो

वोल्टेज को अप और डाउन से बचाने के लिए या वोल्टेज को डाउन करने के लिए देखिए का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास में दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं बच्चे एक होता है स्टेप अप और एक होता है जिसे बोलते हैं स्टेप डाउन तो हमारे भारत में ना दो तरह के ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम डीपी बोलते हैं सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूं भैया वोल्टेज के बारे में तो वोल्टेज हमारे भारत में बदलता रहता है इसी तरह से करंट की सप्लाई भी बदलती रहती है आपको बताऊं कि हमारे भारत के घरों में जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो समान मानी गई है आपको बताऊं कि हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 50 हर्ट्ज की है इसका मतलब ये है कि हमारे, में है। में हमारे भारत में वोल्टेज और करंट बदलता रहेगा जहां पे वोल्टेज है वहां पे करंट बदलेगा जहां पे करंट है वहां पे वोल्टेज बदलेगा लेकिन हमारे भारत में फ्रीक्वेंसी को सेम रखा गया है जो है 50 हर्ट्ज की तो हमारे घरों के अंदर आने वाला जो करंट है उसमें करंट वेरी कर सकता है वोल्टेज वेरी कर सकता है लेकिन फ्रीक्वेंसी को यहां पे कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं कराते लॉजिकली सारी बातें, अब ये बताओ फ्रीक्वेंसी आ रही है इसका मतलब क्या है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी आ रही है तो हमारे घरों में सप्लाई होने वाला करंट कौन सा है एसी करंट है डीसी करंट है एसी करंट है क्योंकि भैया सिंपल सी बात है क्योंकि एसी करंट आएगा तभी हमारे घर में क्या फ्रीक्वेंसी आएगी डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी ज्यादा बनती नहीं है तो एसी करंट है जिस कारण से फ्रीक्वेंसी का निर्माण होता है तो हमारे घरों में जो आने वाला करंट है वो कौन सा है एसी करंट है मतलब अल्टरनेटिव करंट है एसी आता है हमारे घर में डीसी नहीं आता और हमारे घरों में ए क्यों आ रहा है क्योंकि आपको बताऊं कि डीसी करंट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है क्यों अगर गलती से आपने डीसी के किसी अच्छे खासे सोर्स को पकड़ लिया तो जब तक वो निचोड़ नहीं देगा ना तुम्हें छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं है हमारे घरों में जो करंट आता ना साथियों हाँ 50 50 प्लस माइनस थ्री कर लो 50 प्लस माइनस थ्री कर लो एक्ट वैल्यू मैं बता रहा हूँ लेकिन 50 हर्ट्ज इज द स्टैंडर्ड वैल्यू मैं आपको ये बता रहा हूं ठीक है यही रीजन था ये पुराने घरों में चलती नहीं थी क्यों नहीं चलती थी फ्रीक्वेंसी अलग होती थी ये फैक्ट यहां पे समझिएगा ठीक है छोटा सा पॉइंट है चलो आगे चले लॉजिक क्लियर है बड़ा फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने के लिए तीन से चार चीजों पे फोकस किया जाता है उसकी ठीक है हम उसमें पढ़ेंगे टेंशन ना लो मैं आपके लिए ना क्लासेस लेके आऊंगा अभी तो बेटा प्रैक्टिस क्लास चल रही है तो प्रैक्टिस क्लास को प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और जहां पे लगता है मुझे कंसेप्ट पढ़ाना चाहिए मैं आपको कंसेप्ट भी पढ़ा रहा हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बताइए जल्दी से देखिए पे जिसे ब्लीडिंग गम्स कहते हैं वो किस की कमी से होती है देखिए हमारे शरीर के अंदर बेटा यहाँ पे अक्सर जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो विटामिन सी की कमी से हमारे मसूड़े खराब हो जाते हैं साथ ही साथ हमारे मसूडों से खून आना शुरू हो जाता है उसे बोलते हैं ब्लीडिंग गम्स उसे बोलते हैं स्कर्बी की बीमारी तो जो होती है वो होती है विटामिन सी की कमी से अब ये बताओ विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है तो विटामिन सी भैया एसकॉर्बिक एसिड होता है क्या होता है एसकॉर्बिक एसिड और संभवतः सब कहा जाता है इसकी कमी से बहुत गंभीर बीमारियां हो जाती हैं जैसे रतौंदी हो जाती है रात का अंधापन हो जाता है यहाँ पे विटामिन की, की कमी से हमारे शरीर में हिमोफुलिया हो जाएगा मतलब रक्त का जो थक्का है वो जमता नहीं है और विटामिन बी टू की कमी से हमारे शरीर में वाटर की इनटेक कम हो जाती है मतलब हमारे शरीर में जो हमारे मसूड़े मसूड़े होते नहीं हमारे लिप्स विप्स फट जाते हैं तो ये फैक्ट यहाँ पे समझ सकते हैं इजी क्वेश्चन था बच्चों वाला क्वेश्चन था लेकिन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है बताइए जल्दी से इनमें से कौन सा विटामिन है साथियों जो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है देखिए आपको बताऊं कि यहाँ पे कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम को अवशोषित करेगा अवशोषित करेगा मतलब एब्सॉर्ब करेगा तो यहाँ पे देखिए विटामिन डी है जिसका नाम ही देखिए बच्चे क्या है कैल्सी क्या नाम है कैल्सी है बोलो हम हाँ। तो हम जब बात करेंगे तो कैल्शियम को अवशोषित करने में यहाँ पे मदद करने वाला जो विटामिन है साथी वो कौन सा यहाँ पे कैल्सी है डेट इज विटामिन डी सिंबल सी बात है तो यहाँ पे विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करता है लेकिन 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 मैं एक फैक्ट है जो बताना चाहता हूँ सुनो ध्यान से सुनो ये जो सारा का सारा जो कैल्शियम अवशोषित हुआ हमारे शरीर में कंट्रोल किया जाएगा एक ग्रंथि ग्रंथि के के द्वारा जिसका नाम है सुनो तो हमारे शरीर अंदर यहां पे ग्लैंड मिलती है जिसको बोलते हैं पैराथाइर ग्लैंड और ये कैल्शियम की के मात्रा इसके द्वारा देखिए क्या करती है नियंत्रित की जाती है क्यों क्योंकि हमारे शरीर के अंदर यदि पैराथाइर ग्लैंड ऊपर नीचे हो जाए तो इससे हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है हमारा तो इससे बिना हमारे ब्लड में ना कैल्शियम की के मात्रा बढ़ जाती है अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल सुनो ध्यान से अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल की हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे पैराथायरोड हार्मोन अनियंत्रित हो जाए तो उससे ब्लड में कैल्शियम की के मात्रा बढ़ जाएगी और ब्लड में कैल्शियम की के मात्रा बढ़ने से ब्लड में कैल्शियम की के मात्रा बढ़ने से यहाँ पर अक्सर एक समस्या होती है जिसे बोलते हैं पथरी और पथरी को पीछे हम क्या बोलते हैं स्टोन्स बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टोन्स बोलते हैं लॉजिकली सारी बातें अगर पथरी की पूछें तो पथरी बनती किससे भैया

देखो आज मुझे लगा ना कुछ हटके करते हैं साथियों हम रोज प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं और प्रैक्टिस में को बहुत से करा रहा हूं आज मेरे को लगा कि काम करते हैं थोड़ा सा हम लोग फास्ट फास्ट चलते हैं आज मैं आपको देखिए जल्दी से प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आपने कितना पढ़ा हुआ है कितना समझा हुआ है उसको समझ पाएंगे तो जल्दी बताइए साथ ही मुझे कमेंट के अंदर मज़ा आया कि नहीं आया क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी है ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मैं कमजोर लिख रहा हूं एक्जैक्टली वही क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं जल्दी बताइए मुझे कॉमेंट के अंदर और जिन साथियों ने अभी क्लास को लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया एक बार क्लास को जल्दी से लाइक मारो शेयर मारो ठीक है ठीक है देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ने देखिए क्या बोल रहा है पदार्थ जिनका उपयोग देखिए घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है देखिए आपको बताओ जिनका इस्तेमाल यहाँ पे फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं तो देखिए हम जब बात करेंगे घर्षण को कम करने के लिए तो उसे देखिए बच्चे बोलते हैं लुब्रिकेंट क्या बोलते हैं लुब्रिकेंट बोलते हैं और लुब्रिकेंट के रूप में सबसे ज्यादा देखिए यूज किया जाता है किसका यहां पे ग्रेफाइट का किसका यहाँ पे ग्रेफाइट का तो जो यहाँ पे घर्षण कम करते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं कम करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लुब्रिकेंट बोलते हैं ठीक है इजी क्वेश्चन था ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए देखिए वातावरण में पोषक पदार्थों को पुनः चक्रण करने में सहायक सुनिश्चित सूक्ष्म जीवों के रूप में देखा जाता है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यहाँ पे रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं तो बेटा उनको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं डिकम्पोज बोलते हैं आपने कभी डोटेस क्या होगा जैसे एक्साम्पल सुनो ध्यान से बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो खत्म हो जाते हैं टूट जाते हैं अब पेड़ पौधा को टूट गया तो सिंपल सी बात है वो मर जाएगा लॉजिक सी बात है हम जब बात करेंगे साथ ही साथ यहाँ पे देखा होगा कि बहुत सारे जानवर यहाँ पे मर जाते हैं तो मरने के बाद उनकी जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट कर देती है और सड़ने के बाद उनकी बॉडी उसी वातावरण में उसी इन्वायरमेंट में मिल जाती है है ना तो ये जो बॉडी डिकम्पोज हुई है किस कारण से हुई है के कारण हुई है तो डिकम्पोज क्या करते हैं हमारे पृथ्वी पर ना रिसाइकलिंग की प्रोसेस करते रहते हैं अगर सोचो डिकम्पोज ना हो तो कोई भी बॉडी सड़ेगी नहीं गलेगी नहीं जिससे बहुत बड़ा एक एनवायरमेंट खराब हो जाएगा तो हमारे आसपास के एनवायरमेंट में अगर कोई चीज जो जैविक रह चुकी है जिसमें जीवन रह चुका है तो जीवन अगर यहाँ पे जीवन खत्म होता है तो वो चीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी दोबारा से पृथ्वी में या प्रकृति में मिल जाती है किस कारण से ड्यू टू देल्प ऑफ द डिकम्पोजर्स तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे तो इसको हम देखिए सिंपल सी भाषा में अब घटक बोलते हैं ठीक है ये फैक्ट आप यहाँ पे समझो बेटा देखो मैं जल्द ही आपके लिए जीके जी की भी क्लासेस लेके आने वाला हूं टेंशन ना लो मैंने कुछ प्लान किया हुआ है इसके लिए बहुत बढ़िया और आप सुनो 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 छोटा सा पॉइंट देखिए अभी आपको नहीं पता कि भैया का टैलेंट कितना बड़ा है तो भैया का टैलेंट बहुत कूट कूट के भरा हुआ है डोंट वरी आपको जो भी पढ़ना है कमेंट कर दो आपका भाई उसके लिए विशेष क्लासेस लेकर आने वाला है मैं ये कह रहा हूँ देखिए साथियों आप में से जो विद्यार्थी यहाँ पे फाउंडेशन मैच के होंगे वो जानते होंगे इस चीज को लेकर कि भैया किस तरह से चीजें पढ़ा रहे हैं ठीक है टेंशन ना लो तो आपके लिए मैं जल्द ही साथ जीके जीएस की क्लासेस में लेके आऊंगा टेंशन ना लो बेटा क्लासेस क्या एकदम बहुत ज्यादा हो जाती है हमारे पास में लेकिन मैराथन क्लासेस लेके आएंगे हर चीज लेके आएंगे तो मैं जो चाहिए वो हर चीज मिलेगी लेकिन सब्र करो तो मैं वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो ठीक है चलो शुरू करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए जल्दी से हरित उर्वरक इनमें से किसके अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है देखिए हम जब बात करते हैं ग्रीन फर्टिलाइजेशन के बारे में ग्रीन फर्टिलाइजर्स के बारे में तो ग्रीन फर्टिलाइजर्स यहाँ पे किसके डिकम्पोजिशन से प्राप्त किए जा सकते हैं बताइए जल्दी से बहुत इजी क्वेश्चन है बताओ यहाँ पे प्योर कैटल से मिल सकता है डिकम्पोजिशन ऑफ दी ग्रीन फ्रूट प्लांट से मिल सकता है आपको बताऊं कि हमारे घरों के अंदर यहाँ पे अक्सर बहुत सारी चीजें वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकलती है आपने कभी गाँव गए हो तो गांव के अंदर यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है तो गांव के अंदर खेती बाड़ी करने के लिए हम यूज करते हैं किसका उर्वरक का जैसे बोलते हैं फर्टिलाइजर्स का आपको मैं छोटा सा पॉइंट बता फर्टिलाइजर होता है वो प्राप्त करते तो हैं है। जैसे गोबर देखा गोबर आपको मैं बताना चाहूंगा छोटा सा पॉइंट गोबर का इस्तेमाल भी कई लोग यहाँ पे खाद के रूप में करते हैं भैया इसका आंसर बी क्यों नहीं होगा देखिए जो हरे फलदार पेड़ पौधे होते हैं साथियों हरे फलदार पेड़ पौधे होते हैं इसमें सेलोलोस पाया जाता है और सेलुलोज इतनी जल्दी टूटता नहीं है मैं पहले बता दूं सुनो ध्यान से आपको बता दूं कि जो सेलुलोज होता है ना वो इतनी जल्दी टूटता नहीं है इसका यूज हम कर सकते हैं किसमें फर्टिलाइजर्स में लेकिन इतनी जल्दी नहीं कर सकते लेकिन गोबर का इस्तेमाल जल्दी कर सकते हैं मान के चलो फॉर एक्जाम्पल कि यहां पे कल गाय ने गोबर दिया तो आज उस गोबर का इस्तेमाल आप खाद में कर सकते हैं तो इसका आंसर बेटा ए सही लग रहा है मुझे कंपैरेटिवली पे बी के कंपैरिजन में देखो बी भी सही है इसके अलावा देखिए जो घरेलू सब्जियां होती हैं उनको भी हम खाद में यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने क्या बताया कि फल हो गए सब्जियां हो गई इनके अंदर सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है और सेलुलोज यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड है जो जल्दी से टूटता नहीं है और यही रीजन है कि खाद में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे क्योंकि खाद हमें चाहिए भैया जल्दी टूटने वाली जिससे जल्दी जल्दी पोषक तत्व मिले सोचो हमें पोषक तत्व हमें उर्वरक वो चाहिए जो पोषक तत्व दे ना कि पोषक तत्व ले तो हम इसकी बात जब करेंगे ना साथियों तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर होने वाला है वो हमारा होने वाला है ए तो एज द राइट आंसर लॉजिकली है तो इस क्वेश्चन में मुझे जो लगता है कंपेरेटिवली बाकी सभी ऑप्शन में से तो ए मुझे ज्यादा सही लग रहा है बाकी सभी ऑप्शन सही है सभी ऑप्शन सही है लेकिन कंपेरेटिवली बता रहा हूं कंपेरेटिवली यहां पे ए आंसर ज्यादा सटीक होने वाला है ठीक है चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम जब बात करते हैं इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है बेटा कैंटी बीम का अब ये ना बेटा आपका देखो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है सुनो तो ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आ चुका है कैंटी बीम की बात करते हैं मतलब मैंने एक आध क्वेश्चन डाल दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जरा देखिए बेटा ये क्लास अपलोड होगी मतलब क्या अपलोड किया ये क्लास तो लाइव चल रही है लाइव के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी अपलोड किया लाइव चल ही रही है यहाँ पे जरा यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है बताइए जल्दी से इनमें से कौन सा क्वेश्चन इनमें से कौन सा सही होने वाला है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का छोटा सा क्वेश्चन है बताइए जल्दी से हम जब बात करते हैं तो बताओ इनमें से कि कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है अब ये हमारे सामने ना क्वेश्चन बनता है सर कि कैंटिलीवर बीम क्या होती है मैं आपको बता बताऊ छोटा सा पॉइंट देखिए आपने कभी घर गए हैं घर में तो घर में देखिए छज्जा होता है बोलो हाँ तो आपने घर गए होंगे तो घर में देखिए छज्जा बनता है ऐसा है ये देखो तो घर में ना आपके छज्जा बनता है जिसको हम देखो सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं छज्जा बोलते हैं अब आप पता नहीं क्या बोलते हैं इसको तो हमारे घरों में तो छज्जा होता है घरों के ऊपर निकलता मिलता है इस, इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आप यहाँ पे डुबकी मारते हैं तो ये जो बना बेटा इसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं कैंटीलीवर क्या बोलते हैं कैंटीलीवर कैंटीलीवर का मतलब होता है कि जिसका एक हिस्सा पूर्ण रूप से फ्री होता है और इसके एक पॉइंट को यहाँ पे फिक्स 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 कर 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 दिया 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 गया, मतलब दिया गया, गया? मतलब कैसे भैया ये ऐसे फिक्स है ना तो इसके अंदर हॉरिजेंटल मोशन है ना तो वर्टिकल मोशन है और ना ही इसके अंदर रोटेशन होने वाला लॉजिकली लॉजिक क्लियर है तो मतलब इसका एक हिस्सा तो कैसा है स्वतंत्र है और दूसरा हिस्सा देखिए बच्चे कैसा है फिक्स है का मतलब होता है ना इसमें हॉरिजेंटल मोशन है ना वर्टिकल मोशन है और ना ही यहाँ पे रोटेशन होने वाला है और ये हमें कहां पे देखने को मिलेगा तो ये हमें देखने मिलता है गोता लगाने वाले बोर्ड पे देखिए आप जब गोता लगाते हैं तो गोता लगाने वाला जो बोर्ड होता है यहां से कूद जाएंगे तो किस तरह का उदाहरण है बेटा ये तो ये उदाहरण होने वाला हमारा कैंटिलीवर का अच्छा क्वेश्चन था बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने ले लिया बताने के लिए कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है ब्रिज की हम बात करते हैं। तो ब्रिज कैंटिलीवर नहीं होते क्यों नहीं होते क्योंकि ब्रिज की हम बात करेंगे तो ब्रिज के अंदर जो पिलर्स होते हैं वो यहाँ पे बेसिकली इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि दोनों पर जो वेट है वो सेम हो सोचो अगर ब्रिज मैंने कैंटिलीवर बना दिया ना तो बेटा जैसी कोई गाड़ी यहां पहुंचेगी डप नीचे आ जाएगी मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वाले पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो फोर्स होता है वो फोर्स इसमें टॉर्क पैदा करता है मतलब घुमाने की क्षमता रखता है मैं ये बताना चाहता हूं छोटा सा पॉइंट क्यों क्योंकि आप जब इस वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इस वाले पॉइंट पे बेटा एक फोर्स रखता है जिसको हम क्या बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं क्या बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं तो इस वाले पॉइंट पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा बढ़ जाएगा साथ ही साथ हम जब बात करते हैं तो टॉर्क की वैल्यू भी ज्यादा बढ़ जाती है तो ये फैक्ट भी यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन था आप में से बहुत से बच्चे इसका आंसर यहाँ पे जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं बहुत से विद्यार्थियों को इसका जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं पता है बेटा अगर बाबू यहां पहुंचा ना तो बाबू यहाँ पे सोना निकल जाएगा बताना सारा सारा का ठीक है चलो जल्दी बताइए मुझे के अंदर अंदर तक की बात पूरी क्लियर है 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 कोई दिक्कत तो नहीं है इसके ठीक अच्छा क्वेश्चन बताइए मुझे अच्छा क्वेश्चन सही लगा बताइए जल्दी से बताइए जल्दी से कि इनमें से सही जैव उत्प्रेरक उत्प्रेरक नहीं है जैव उर्वरक है देखिए तो हमें यहाँ पे जैव उर्वरक का देखिए चयन करना है बताइए कि इनमें से कौन सा है जो बेटा यहाँ पे जैव है मतलब बायोटिक माना गया जल्दी बताओ सबके सर सब। <coughs> बेटा हावड़ा ब्रिज एग्जाम्पल है नो डाउट लेकिन उसमें ना ट्रस्ट का एग्जाम्पल माना गया हावड़ा ब्रिज कैंटिलीवर है नो डाउट कैंटिलीवर है लेकिन वो परफेक्ट कैंटिलीवर का एग्जाम्पल में से एक है उसके मूवमेंट्स को बचाने के लिए पूछा गया कि हम जब बात करते हैं तो इस्तेमाल से कौन सा है देखो इस क्वेश्चन को जरा समझने का प्रयास करना क्वेश्चन क्या बोलता है सुनो क्या यहाँ पे वनस्पति खाद होने वाली है नहीं होने वाली अमोनियम सल्फेट नहीं होने वाली मवेशी होने वाली है नहीं होने वाली हम जब बात करते हैं तो शैवाल और हरा नीला शैवाल यस तो जो शैवाल होते हैं जो हरा निभा शैवाल होता है जिसको हम सिंपल सी भाषा में देखिए बच्चे क्या बोलते हैं काई क्या बोलते हैं काई बोलते हैं तो काई को यहाँ पे देखिए किसमें यूज करते हैं बच्चे फर्टिलाइजर में यूज किया जा सकता है अच्छा एक चीज को सुनो भैया आपने यहाँ पे वेजिटेबल फूड्स को क्यों शामिल नहीं किया अरे मेरी बात को जरा समझो ध्यान से यहाँ पे देखिए उर्वरक दिया हुआ है

और एक होती है जिसको बोलते हैं काई चटनी ये दोनों एक है या अलग अलग है जल्दी बता सक समझो कॉमेंट के अंदर देखो एक यहाँ पे काई होती है काई मतलब हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं एल्गीज बोलते हैं बोलो हाँ और एक होती है काई चटनी ये दोनों एक है या अलग अलग है अलग अलग है भैया सुनो ये जो काई चटनी है ना इसको अभी हाल ही में यहाँ पे दिया गया है जे आई टैग और ये जो चटनी बनती है बच्चे किससे बनती है तो ये बनती है लाल चीटियों से किससे लाल चीटियों से तो लाल चीटी को पीस कर बढ़िया तरीके से यहां पे चटनी बनाते हैं जो बनती है कौन सी काई चटनी तो दोनों अलग है ये काई अलग होती है और ये काई चटनी अलग होती है उड़ीसा में जो मयूरभंज का इलाका आना चाहती हूँ वहां पर काई चटनी को भी जी आई दिया गया रिसेंटली दिया गया दो में अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकता है ठीक है तो दोनों कैसे पे अलग अलग है गलती मत करना ठीक है पहला पॉइंट है ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से दिखे कि किस औषधि पौधे का इस्तेमाल यहाँ पे त्वचा की सुरक्षा के लिए किया जाता है अब मेरे ख्याल से इसका आंसर तो लड़कियां बहुत जल्दी

तो हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे स्किन को गोरा करने के लिए स्किन को चमकाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा तो आंसर है एलोवेरा का तो एलोवेरा इज राइट आंसर सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों वाला क्वेश्चन क्वेश्चन था ये ये तो इजी आ गया हमारे सामने बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वार्षिक अवधि में भूमि पर विशिष्ट क्षेत्र में एक से अधिक फसलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनो ध्यान से मान लो भैया कि मेरे पास में यहाँ पे एक फसल एक खेत है मेरे पास में तो मैंने क्या किया एक बार तो मैंने इसमें देखिए दाल पैदा कर दी दाल के बाद देखिए भैया मैंने इसमें गेहूं पैदा कर दिया गेहूं के बाद भैया मैंने इसमें क्या पैदा कर दिया चना पैदा कर दिया तो मैंने एक ही खेत में एक साल के अंदर तीन फसलें पैदा कर दी अब होता क्या है जरा समझिए छोटा सा पॉइंट कि जब मैं एक साथ यहाँ पे एक साल में अलग अलग फसलें पैदा कर रहा हूं तो इससे हमारी मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो बनी रहती है मतलब हमारी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है जो फर्टिलाइजिंग प्रॉपर्टी होती है वो बनी रहती है और इसका इस्तेमाल हमारे भारत में बहुत सारे किसान हैं जो यहाँ पे करते भी हैं तो हम जब बात करेंगे साथियों तो इसको क्या कहा जाता है तो इस प्रोसेस को हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं यहाँ पे वन क्रॉपिंग बोलते हैं नहीं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं तो इसका आंसर बेटा बहुफसलीकरण हो जाएगा और ये मिट्टी की उर्वरता बनाने का बहुत अच्छा एक तरीका भी है आपको बताऊं कि बहुत से किसानों को कहा जाता है कि आप इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करें क्यों ताकि आपकी किसानों की आपकी जो जमीन होती है उसमें फर्टिलाइजर की कमी बहुत कम हो और हम यहाँ पे ज्यादा मात्रा में चीजों को उत्पादन कर सके आपको बताऊं छोटा सा पॉइंट जैसे दाल हो गया तो दलहन के लिए दाल भी उत्पादन के लिए हमें यूरिया की खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती क्यों नहीं पड़ती भैया क्योंकि जो दाल की फसलें होती है ना भैया उन दाल की फसलों के अंदर ऑटोमेटिकली एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो है कौन सा राइजोबियम बैक्टीरिया और हम जब बात करते हैं ये बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली वातावरण से नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन की मात्रा या नाइट्रेट्स की मात्रा बढ़ाकर उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ा देता है तो दलहन की फसलों के लिए यूरिया खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है और दाल के बाद यदि गेहूं डालते हैं तो गेहूं की फसल भी इस उर्वरक क्षमता से पैदा हो जाती है और यही रीजन है कि मध्य प्रदेश का जो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में दलहन का उत्पादन करते हैं तो वहां के किसानों को सबसे कम मात्रा में यूरिया खाद की आवश्यकता पड़ती है क्लियर है सारी बातें तो मैंने बता दिया अच्छा क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर देखिए बेटा बी हो जाएगा बी इज द राइट आंसर अच्छा क्वेश्चन था जल्दी बताओ मुझे कॉमेंट के अंदर अच्छा एक चीज पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से बताऊँ सुनो देखो ये क्वेश्चंस जो है ना बेटा सारे के सारे प्रीवियस प्रीवेश क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको कुछ भी अपने मन से नहीं बता रहा ये सारे के सारे प्रीवियस प्रिवेश क्वेश्चंस जो मैं सोच रहा हूं कि आज आपको जल्दी जल्दी कराऊं क्योंकि आज मैं सोच के चलाऊ कि पचास क्वेश्चन करा के जाऊंगा तैयार हो तो पचास क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल घबराना नहीं बहुत अच्छी तरह से कराने वाला हूं बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट के साथ देखिए बताइए जल्दी से सूक्ष्म जीवों के द्वारा जब यहाँ पे जैविक यौगिकों से अल्कोहल उत्पादन की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है क्वेश्चन क्या बोल रहा है दिखोदां से Why, what name the 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 process of the production of production alcohol from organic compound? देखिए हम जब बात करते हैं तो सूक्ष्म जीवो के द्वारा जब यहाँ पे अल्कोहल बनाई जाती है तो अल्कोहल बनाए जाने की बेटा इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या तो इस प्रोसेस को हम सिंपल सी भाषा में कहते हैं क्या वायबीय शोषण या अवायवीय शोषण तो आंसर है अवायवीय शोषण नहीं, नहीं 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 इसे बेटा बोलते हैं किनवन क्या बोलते हैं किनवन किनवन बी ऑप्शन में देखो ध्यान से तो ऑप्शन में दोनों दिए तो मैंने देखा नहीं ध्यान से तो इस प्रोसेस को बच्चे क्या बोलते हैं किनवन की प्रोसेस बोलते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस बोलते हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा छोटा सा पॉइंट कि यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है इसे क्या बोलते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस बोलते हैं और फर्मेंटेशन को बेटा हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं चीजों को सड़ाना और ये चीजें किसके द्वारा होती हैं तो ये चीजें देखिए बेटा की जाती है यहां पे एंजाइम के थ्रू तो यहां पे छोटे छोटे एंजाइम का इस्तेमाल भी किया जाएगा और जब यहां पे चीजों को सड़ाया जाता है अल्कोहल बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहां पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस बोलते हैं यहां पे किन्वन की प्रोसेस बोलते हैं एक बात मैं औकड़ी कर दूसरा कि के जो प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है बिना ऑक्सीजन की होती है और इसलिए यहां पे इसे क्या बोलते हैं अवायवीय है, रेस्पिरेशन भी कहते हैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल अगर मान लो मान लो यही क्वेश्चन होता हमारा सेम और इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ऑप्शन में फर्मेंटेशन नहीं होता तो भी ये क्या लगाते है आंसर तो हमारा आंसर यहां पे अवायवीय शोषण हो जाता अगर सेम क्वेश्चन होता और सेम क्वेश्चन के अंदर अगर मान लो ऑप्शन भी नहीं होता तो क्या करते तो आंसर हमारा होता बेटा बेटा है समझिएगा तो हम क्या करते हैं ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स ओ भाई साहब क्या क्वेश्चन क्या मजेदार क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तो मुझे ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती है चलो तुमने देखा होगा अक्सर आसपास कि हमारे घरों में एक बात कहते हैं क्या बोलते हैं कि अगर लड़का बिगड़ जाता है तो बोलते हैं शादीवादी करा दो सुधर जाएगा है ना सेम ऐसा बोलते हैं लड़की बिगड़ जाती है तो बोलते हैं लड़की बिगड़ गई है एक काम करो शादी वादी करा दो सुधर जाएगी हमारे पेरेंट्स को ना एक ही सोल्यूशन नजर आता है शादी करा दो एक्चुअल में शादी नहीं कराते वो लोग क्या करते है? मैं बता रहा हूँ सुनो ध्यान से अगर कोई अकेला एटम होता है ना तो घूमता रहता है उधर जा रहा है कभी वहां जा रहा है कभी यहां जा रहा है कभी इससे लड़ रहा है कभी उससे लड़ रहा है वैसे लड़के होते हैं वैसे लड़कियां होती हैं वो बोलते हैं कि अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारा जो पार्टनर होगा उससे तुम्हारा बॉन्ड बन जाएगा और बॉन्ड का बड़ा मतलब होता है कि तुम बन चुके हो अब तुम फिर नहीं पाओगे इधर चला मैं उधर चला वो वाली कंडीशन हो नहीं पाएगी सुनो ध्यान से तो बॉन्ड क्या करता है आपके अंदर स्टेबिलिटी लेके आता है तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनाए जाते हैं वो क्या करते हैं बेटा स्टेबिलिटी लेके आते हैं मतलब उनमें स्थिरता लेके आते हैं अब क्वेश्चन बनता है भैया यहाँ पे छोटा सा पॉइंट कि कौन सा बॉन्ड बनेगा तो छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे जरा समझो देखो छोटा सा पॉइंट मैं बता रहा हूँ सुनो अगर मान लो कि यहाँ पे मेटल है और देखिए बेटा नॉन मेटल है तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड क्या बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं और इस आयोनिक बॉन्ड के अंदर यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है देखिए ट्रांसफर होता है मतलब इलेक्ट्रॉन का यहां पे हस्तांतरण किया जाता है ठीक है पहली बात यह दूसरा पॉइंट देखिए ध्यान से दूसरा है भैया हमारा कौन सा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में तो जब हमारे पास में दोनों कैसे होते हैं अधातु होते हैं तो जब दोनों हमारे पास में अधातु होते हैं तो इनके बीच में बनने वाला जो बंद होता है इसको देखिए साथियों बोलते हैं कोवलेंट क्या बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है अब ये ना तीन प्रकार के होते हैं सुनो ये होता है सिंगल बॉन्ड ये होता है डबल बॉन्ड और ये होता है ट्रिपल बॉन्ड इसका मतलब है कि यहां पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया गया है और यहां पे छह इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया गया तो ये शेयरिंग पे बनते हैं आधा तुम ले लो आधा मैं ले लेता हूं ऐसी बात की जा रही समझौते पे बनता है ये बॉन्ड जबकि ये कैसा बनता है पूर्ण हस्तांतरण पे बनता है अब ये बताओ यहां सिंपल सी बात है जो रिश्ता समझौते पे चलेगा वो तो टूटेगा जल्दी टूटेगा और जो रिश्ता बेटा बिल्कुल ऐसे जुड़ा ऐसे तू मेरा मैं तेरी आजा

इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग पे कौन सा बनता है तो बनता है, यहां पे कौन सा बनता है? सारी मैं समझा चुका, हूं। उम्मीद कर चुका करता हूं कि आप इसका आंसर मुझे देने वाले बात है एग्जाम्पल है? बताइए जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया एच सी हो गया है ठीक है हम देखिए जब बात करते हैं तो बहुत सारे उदाहरण है इसके जो मिलने वाले हैं चलिए जल्दी बताइए सबके सब लॉजिक क्लियर है बोलो हाँ ना क्लियर है कि नहीं है सर एग्जाम्पल देना अरे कैसी बात करती प्रभु ये ले, ये ले ले देखो यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन में कौन सा बॉन्ड है कोवलेंट है ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कौन सा है कोवलेंट है नाइट्रोजन नाइट्रोजन में देखिए बच्चे कौन सा है कोवलेंट है एफ ओ एन ये लो तीन कर दिए मैंने सिंपल सिंपल बातें कैसी बात करते भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से बहुत इजी क्वेश्चन है देखिए वह कौन सा इंजाम है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है बताइए जल्दी से कि वो कौन सा इंजाम है जो यहाँ पे कोएगुलेट करता है अच्छा स्कंदित कर देता है स्कंदित मतलब जमाने की बात कर रहे हैं देखो आपने कभी नोटिस किया कि आप जब छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं जो नेटनेक्स बच्चा होता है नेक्ट नेक्स बच्चा समझ लो कि पांच महीने का बच्चा है छह महीने का बच्चा है एक साल का बच्चा है आप जब छोटे बच्चे को दूध पिलाते हो मान लो कि वो बच्चा उल्टी कर दे तो दूध बाहर निकलता है दूध बाहर निकलता है बेटा एक बच्चा बोल रहा है सर एस सियल तो कोवलेंट है अरे भाई साहब बहुत बढ़िया शाबाश देखिए भैया ध्यान से हम जब बात करेंगे जरा समझो छोटा छोटा पॉइंट देखो सही बात है मैं मना शुरू कर रहा हूं इसके लिए देखिए ध्यान से बच्चे सुनो अब हम देखिए जब बात करेंगे यहाँ पे जरा समझने का प्रयास करना छोटा सा पॉइंट है कि आप जब बच्चे को यहां पे दूध पिलाते हैं तो दूध पिलाने के बाद कभी कभी बच्चा उल्टी कर देता है जब बच्चा उल्टी करता है देखिए देखिएगा एक क्या निकलता है दूध निकलता है दही जैसी चीज निकलती है दही जैसी चीज निकलती है यस तो मैं ये बताना चाहता हूं छोटा सा पॉइंट कि यहां पे हमारे शरीर में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो दूध को परिवर्तित कर देते हैं दिखेदान से तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है बच्चे देखिए कौन सा रेनिन ये दूध में पाए जाने वाली चिकनाई को यहाँ पे बदलने का प्रयास करते हैं तो दूध में पाए जाने वाली जो चिकनाई होती है उसको पचाते हैं और ये जो एंजाम होता है ना छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है और यही रीजन है कि छोटे बच्चे कच्चा दूध भी पचा जाते हैं लेकिन बड़े बड़े लोगों के अंदर ये क्षमता कम होती है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे शरीर में रेनिन की मात्रा कम हो जाती है और यही रीजन है साथियों कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ इंसानों के अंदर दूध को पचाने की क्षमता कम होती है अब फॉर एग्जांपल आप किसी बूढ़े व्यक्ति को कच्चा दूध पिला दो बेटा दस्त हो जाएंगे उसको सिंपल सी बात है वो मर जाएगा व्यक्ति वो व्यक्ति बाद में मरता पहले मर जाएगा क्यों उसके शरीर में ना रैनि नहीं है और रैनि नहीं है तो उसके शरीर में दूध को पचाने की क्षमता नहीं है तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा तो बच्चों में इसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है पेप्सिन हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन करता है सबसे पहले अमाशय में तो अमाशय के अंदर यहाँ पे पेप्सिन पाया जाता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से क्या है कि क्रिस वृक्ष की छाल को क्विनिन प्राप्त करते हैं क्विनिन देखिए है। आपको बताऊं कि क्विनिन यहां पे दवाई यूज की जाती है मलेरिया और अन्य चीजों के लिए तो क्विनिन की हम जब बात करेंगे साथियों कहां से प्राप्त की जाती है तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है तो ये बनती है कहां से बेटा से कहां से बनती है सिंकोना से जबकि यूकीलप्ट की बात करते हैं देखिए सबसे ऊंचा पेड़ों में से एक है कौन सा यूकिलिप्ट है अब देखिए आप है ना इसमें कंफ्यूज होंगे सर को लेकर बताओ मैं आपको बताना चाहता हूं छोटा सा पॉइंट की एक्चुअल में देखा जाए बच्चे तो यहाँ पे दो तरह के ऊंचे पेड़ है जिम्नोस्पर्म के एक है के हम दोनों की बात समझेंगे तो यूकीलप्ट हमारे ऊंचो पेड़ों में शामिल है लेकिन सिंकोना की छाल से हम जब बात करते हैं तो क्या मिलता है बेटा क्विनिन मिलती है और इसका इस्तेमाल करते हैं मलेरिया और अन्य चीजों को सही करने के लिए तो मलेरिया हो गया डेंगू हो गया चिकनगुनिया हो गया इसको सही करने के लिए साथ ही इस्तेमाल करते हैं तो ये मिलती है कहां से सिंकोना की वृक्ष से प्राप्त हो जाती है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से देखिए बीसवा क्वेश्चन है चुनगम किससे बनता है भाई साहब ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है देखिए चुंगम जो बनता है बेटा वो रबड़ जैसा पदार्थ होता है सुनो ध्यान से तो चुंगम को चबाते रहोगे चबाते रहोगे चबाते रहोगे खत्म नहीं होने वाली क्यों क्योंकि वो एक तरह का पॉलीमर है और ये जो पॉलीमर है वो रबड़ जैसा काम करता है

मैं ये बताना चाहता हूं कि रबड़ भी किससे बनती है लेटेक्स से बनती है और चुनगम भी किससे बनती है लेटेक्स से बनती है ये भी समझो ध्यान से भारत में सबसे ज्यादा लेटेक्स का जो उत्पादन किया जाएगा वो सारे के सारे जो उत्पादन है बेटा कहां से 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 होते होते हैं हैं केरल बात समझो ध्यान लॉजिकली रहे एक बच्चा बोल रहा है सर ये सबके सब क्वेश्चन सब स्पीडी में दिए गए बेटा नालायक सुन ध्यान से मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन ही करा रहा हूं अब प्रीवियस क्वेश्चन चाहे स्पीडी में मिले चाहे किसी किताब में मिले प्रीवियस क्वेश्चन तो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं कैसी बात करते हो नालायक को सबके सब तुम तुम सफा नालायक हो सबके सब मैं ऐसे बता रहा हूं मतलब जो बच्चा ऐसे कमेंट करता है उस व्यक्ति को मैं अब प्रीवियस क्वेश्चन तो मैं किसी भी किताब से ले सकता हूँ सिंपल सी बात है उसने सोचना ही क्या है अब जरा यहां तो हम जब बात करते हैं चुंगम के बारे में तो चुंगम बेटा किससे बनता है लेटेक्स से बनता है सिंपल सा क्वेश्चन है क्या दिक्कत है ठीक है चलो चलो अब आगे चलते देखिए छोटा सा पॉइंट है एक बच्चा बोले सक क्या गारंटी है सब क्वेश्चन आए हुए बेटा गारंटी तुम्हारी नहीं है तुम मुझ पर शक कर रहे हो अरे पिटोगे बहुत ज्यादा ठीक है कभी आओ हवेली पे बताते हैं तुम्हें हमारी हवेली के मतलब हमारी एप्लीकेशन पर है सुधार तो देंगे तुम्हें पकड़ पकड़ के ऐसे बता रहे हैं पूछो जरा एप्लीकेशन वाले बच्चों से भैया का टेरर किया वहां पे पर ये सब क्वेश्चन आए हैं बेटा कहा है हम ये सब क्वेश्चन पूछेंगे बेटा कहां पे पता है यूएसए में सही बता रहा हूं यूएसए में तुम्हें ए की पोस्ट मिलेगी वहां के क्वेश्चन है सारे सारे इंडिया के क्वेश्चन है नहीं चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा जल्दी से बताओ सबके साथ सब। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है कि किसानों का बेटा मित्र किसे कहा जा रहा है इजी क्वेश्चन है बच्चों वाला क्वेश्चन है आंसर कौन सा है कैचुआ है अब कैचुआ करता क्या है सुनो ध्यान से

तो अधातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या क्वेश्चन था ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मैं नहीं मानता बेटा इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है तो विश्व पर्यावरण दिवस बेटा मनाया जाता है हमेशा पांच जून को ये भी सीधे सीधे आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है जल्दी बताओ सबके सब ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन एंड प्रेसिपिटेशन इज नोन एज वाष्पीकरण और यहाँ पे वर्षण की जो प्रक्रिया होती है इससे हम किस रूप में जानते हैं आपको देखिए बताऊं सुनो ध्यान से कि हमारे पृथ्वी पर ना हमारे पृथ्वी पर जो पानी है उसे नियंत्रित करने की बात करते हैं तो हमारे पृथ्वी पर पानी को देखिए नियंत्रित किया जा रहा है कैसे कि नियंत्रित किया जा रहा है कुछ मात्रा में पानी ऊपर जाएगा फिर बादल बनाएगा बादल से बरसेगा और बादल वहां पर बरस बरसते हैं जहां पर इनकी आवश्यकता पड़ती है सिंपल सी बात है तो हम जब बात करेंगे तो इसके लिए यहां पे बनने वाला जो साइकिल है उसे उसे बेटा बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और इसको हम सिंपल सी भाषा में वाटर साइकिल भी बोलते हैं क्या बोलते हैं वाटर साइकिल बोलते हैं तो हमारे पृथ्वी पर जो वाष्पीकरण होता है जो एवोपरेशन हो रहा है इसके अलावा देखिए जो वर्षा हो रही है बादल जो बन रहे हैं जो हम साथ साथ में देखिए ओले गिरते हैं ये किस पर डिपेंड करता, है? करता है तो ये अच्छा क्वेश्चन तो किसी -किसी के चलिए पच्चीस बताइए जल्दी से बैक्टीरिया की खोज यहाँ पे किसके द्वारा की जा रही है भाई साहब बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो बैक्टीरिया की बेटा खोज करने वाले जो व्यक्ति है वो है वॉन लिवनॉक देखिए सुनो खोज की बार है इनके द्वारा यहाँ पे जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया की खोज भी की जा रही है इसके अलावा देखिए हम जब बात करते हैं तो इनके द्वारा यहाँ पे पैरामीशियम नामक जो तत्व है वो भी यहाँ पे खोजे जा रहे हैं पैरामीशियम ये हम जब बात करते हैं प्रोटोजुआस तो उनकी यहां पे जो खोज है वो भी यहां पे की जा रही है आपको मैं बताऊ तो सुनो सबसे पहले कि हमारे शरीर में डब्ल्यू हमारे शरीर में देखिए आरबीसी की खोज भी इनके द्वारा पहले की जा रही है इसके अलावा सबसे पहले देखिए बच्चे स्पर्म सेल्स मतलब मानव शरीर में पाए जाने वाले जो शुक्राणु होते हैं उनके बारे में भी बताने वाले व्यक्ति यहां पे कौन है बच्चे तो आंसर है एंटोनियो वॉल ल्यूनहॉक है तो ये फैक्ट आप यहाँ पे समझना की एंटोनियो वॉन ल्यून हॉक ने सबसे पहले ही बच्चे यहाँ पे जीवित खोज की खोज की है ये फैक्ट भी यहाँ पे समझ सकते हैं अच्छे क्वेश्चन में से एक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से क्वेश्चन बताओ जल्दी से सबके सब, सब का आंसर क्या होने वाला देखिए कि हीलियम से भरा गुब्बारा हवा में उड़ता है क्योंकि क्यों उड़ता है जल्दी बताओ सबके सब, के सब। जल्दी बताओ बेटा देखो ध्यान से होता क्या है सुनो ध्यान से हीलियम की हम जब बात करते हैं तो हीलियम किस कारण से होता देखिए आपको बताऊं कि हीलियम हवा की तुलना में कम सघन होती है सिंपल सी बात है होता क्या सुनो ध्यान से बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि तो हीलियम कैसी हल्की धातु हल्की यहाँ पे देखिए तत्व माना गया

तो यहां पे आंसर देखिए हमारा हीलियम हो जाएगा बताइए जल्दी से सिल्वर जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें कौन सी धातु शामिल नहीं होती मैं गारंटी से बता सकता हूं कि आप सबके सब अच्छे इसका आंसर गलत करने वाले हैं सबके सब, सब आंसर गलत करने वाले हैं जल्दी बताइए गारंटी से बताना साथियों तुम सबके सब, सब इसका आंसर गलत करने वाले हो जल्दी बताओ कि हम जब बात करते हैं जर्मन सिल्वर के बारे में तो जर्मन सिल्वर एक अलॉय है ठीक है इसमें कौन सी धातु नहीं होती है कौन सी धातु नहीं होती है? जल्दी बताओ सबके सब, सब इसका आंसर होने वाला है सत्ताईसवा क्वेश्चन है सत्ताईसवें क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से देखो फटाफट से देखो हम जब बात करेंगे ना जर्मन सिल्वर के बारे में इसका इस्तेमाल कहाँ पे कर देखे चांदी चांदी के समान दिखती है अब आपको बताऊं छोटा पॉइंट कि जर्मन सिल्वर का नाम जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर ही नहीं होता है सुनो ध्यान से इसमें सिल्वर नहीं होती इसमें चांदी नहीं होती ये बनता किससे निकल से बनता है जिंक से बनता है तांबे से बनता है लेकिन इसमें चांदी नहीं होती ये चांदी जैसा दिखता जरूर है लेकिन इसमें चांदी नहीं होती है सुनो ध्यान से तो हम जब बात करेंगे तो जर्मन सिल्वर के अंदर चांदी नहीं होती सोचो क्या बड़ी बात की जा रही है चांदी के नाम पर रखा गया लेकिन चांदी नहीं होती है तो इसमें देखिए बेटा जिंक की मात्रा होती है जिसको थोड़ा सा चांदी जैसा लुक दे देता है इसमें निकल की मात्रा ज्यादा कॉपर की मात्रा ज्यादा और ये तीनों उसको मिलाकर क्योंकि तीनों क्या है धातुएं हैं तो तीनों हमारे क्या देखिए है? धातुएं हैं धातुओं से मिला के पीछे क्या बनता है अलॉय का बनता है अलॉय मतलब यहाँ पे मिश्र धातु का निर्माण होता है इसमें चांदी नहीं होती तो इसका आंसर बहुत अच्छा है इसका आंसर बच्चे क्या देखिए हमारा डी हो जाएगा डी इज द राइट आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अट्ठाईस कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग इम है जो ब्लू कलर को देता है ग्लास को देखिए देखो कांच को यहां पे नीला रंग दिया जाता है किसके द्वारा देखिए तो आप जब भी किसी कांच पर नीला रंग करेंगे तो नीला रंग बेटा हमेशा किया जाता है कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होने वाला देखिए वो होने वाला बच्चे कौन सा ए होने वाला है? सुनो ध्यान से तो यहाँ पे जब बात करते हैं नीला रंग किस कारण से तो आंसर है यहाँ पे किस कारण से देखिए बच्चे तो आंसर है कोबाल्ट ऑक्साइड से है. अगर यहाँ पे कॉपर सल्फेट होता सुनो ध्यान से अगर देखो अगर कोबाल्ट ऑक्साइड दिया है या फिर हम देखिए क्या बोलते हैं कॉपर सल्फेट बोलते हैं क्योंकि यहां पे कॉपर ऑक्साइड दिया बेटा कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे नीला नहीं होता सुनो ध्यान से मैं बता रहा हूं तुम लोगों ने क्या सोचा हुआ है कि भैया हमने तो कॉपर पढ़ा हुआ है बेटा सुनो

जल्दी से देखो बच्चे लगभग लगभग छह के आसपास हमारे पास छह सौ साढ़े छह सौ बच्चे छह सौ होने वाले बच्चे तो इतने बच्चे हैं एक बार सबके सब तो सब सब ये कहना चाहता हूं छोटा सा पॉइंट बेटा कौन सा आरआरबी चूज करें इसके ऊपर यहाँ पे साहिल सर ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है आप उसको देखो आपको सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे ठीक है चलो तो एक बार मेरी जितने भी छोटे भाई बहन हैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जल्दी से इसको क्या करो मारो सबके सब लाइक्स मार दो जल्दी से बच्चे बहुत ज्यादा लाइक्स बहुत कम है अच्छी बात नहीं है ना लाइक को ना सुधरोगे तुम लोग मैंने क्या कहा तुम सभी <laughs> चलो आगे चले देखिए से क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए हमारा देखिए जो इस्तेमाल किए जाने वाले बेटा जो लैंप होते हैं जिसको हम सिंपल सी भाषा में फ्लोरेसेंट ट्यूब्स बोलते हैं देखिए हमारे जो सी होती हैं <coughs> या हमारी जो बलब्स होते हैं <coughs> तो हम देखिए जब बात करेंगे इन बल्ब के अंदर तो किसका इस्तेमाल करते हैं आपको बताऊं देखिए जो पहले बिजली के बल्ब यूज किया जाते थे उसमें हम सोडियम का इस्तेमाल करते थे और साथ साथ में टंगस्टन का इस्तेमाल करते थे ये फैक्ट भी यहाँ पे समझेगा तो देखिए बच्चे आज के जो यहाँ पे लैंप होते हैं ना उसमें यूज करते हैं मरकरी वेपर्स का किसका मरकरी वेपर्स का और यहाँ पे आर्गन गैस का तो आर्गन यहाँ पे क्या होती है बच्चे तो आर्गन यहाँ पे आती होती है हमारी कौन सी तो आंसर नोवल गैस होती है ये फैक्ट भी यहाँ पे समझिएगा छोटा सा पॉइंट है अच्छा एक चीज मैं बताऊँ तो सुनो

हर चीज का समय होता है आपका बड़ा भाई आपके लिए हर चीज करने वाला है डोंट वरी तो हम भी लेके आएंगे और नॉर्मली हमारा सुबह जो नौ बजे का सेशन होता है ना इस सेशन में मैं मिक्स क्वेश्चन ही कराता आज मेरा मन किया कुछ हटके पढ़ाने का तो आज मैं क्वेश्चन भी ज्यादा लिया है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से इनमें से बेटा कौन सा यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट होता है जो महासागर में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाएगा देखिए तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं ऑडियो मीटर है नहीं है ग्लैवल मीटर है नहीं है यहाँ पे देखिए इसका आंसर बेटा सुनार हो जाएगा तो सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये समुद्र के अंदर गहराई पता लगाने के लिए समुद्र के अंदर देखिए हम जब बात करते हैं तो समुद्र के अंदर पे पे हम जब बात करेंगे साथियों लोकेशन लोकेशन पता location नहीं मतलब समुद्र की गहराई अंदर और अंदर की मिलने वाले पदार्थों को पता करने के लिए इसका इस्तेमाल यहां पे किया जाता है किसका सोनार का जो अल्ट्रासोनिक वेव्स पर यहां पे काम करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स पे देखिए सिद्धांत है जो काम करने वाला है अच्छे क्वेश्चन में से एक है तो सोनार इज द राइट आंसर सिंपल सा पॉइंट है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से ये गुरुवाकर्षण

तो यहाँ पे भले ही गुरुत्वाकर्षण का बल दिया है किसने आइजक न्यूटन ने लेकिन यहाँ पे बड़ा जी का मान किसने दिया है? तो आंसर है हेनरी कैवेंडिश ने दिया है और इसी बड़ा जी से देखिए छोटा जी मिलता है और इस छोटा जी के बेटा बारे में बताने वाले जो व्यक्ति थे वो थे यहाँ पे गैलीलियो कौन थे यहाँ पे गैलीलियो थे ये भी आप यहाँ पे जरा समझना तो बड़ा एफ का मान किसने दिया है आइजक न्यूटन ने दिया है बड़े जी का मान किसने दिया है यहाँ पे कैवेंडिश ने दिया है और छोटी जी की वैल्यू किसने दी है बच्चे तो आंसर है गैलीलियो ने दी है दोनों चीजें कैसी हैं अलग अलग हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तरह से आइंस्टाइन के द्वारा यहाँ पे आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था इनमें से किसके लिए जल्दी बताइए सबके सब कि यहाँ पे आइंस्टाइन की हम बात करते हैं तो आइंस्टाइन को देखिए नोबेल पुरस्कार दिया गया बिल्कुल दिया गया तो यहाँ पे किस प्रभाव के लिए दिया गया फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव है यहाँ पे विशिष्ट गर्मी का प्रभाव है का सिद्धांत है जैसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं या फिर देखिए पे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है तो मैं बता दूं कि आइंस्टाइन साहब को देखिए जो पुरस्कार मिला था नोबेल का वो मिला था यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए उन्होंने बताया था कि हमारा जो प्रकाश होती है वो बहुत छोटे छोटे वो छोटे छोटे डिस्कवरी ऑफ उफ... क्या बात कर रहे हो देखो तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है और छोटे छोटे कणों को बच्चे क्या बोलते हैं फोटो बोलते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को और बढ़िया बताने के लिए इनको यहाँ पे नोबल पुरस्कार यहाँ पे दिया गया ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से इनमें से कौन सी यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो हमारी छा, छाती के गुहा में पाई जाती है अच्छा क्वेश्चन है जल्दी बताऊँ सबके सब बेटा इसका आंसर दो जब तक मैं बैटरी चेंज कर रहा हूं मेरी बैटरी खत्म होने वाली है ठीक है देखिए साहब अच्छे क्वेश्चन में से एक क्या है जरा समझो देखो छोटा सा पॉइंट हम देखिए जब बात करते हैं तो कौन सी यहाँ पे ग्लैंड है जो हमारी चेस्ट में पाई जाती है सिंपल सी बात है देखिए अब चेस्ट में पाई जाने वाली जो ग्रंथि है साथी उसका नाम है थायमस क्या नाम है देखिए थाइमस ग्रंथि है तो ये थामस ग्रंथि है जो हमारे चेस्ट में पाई जाती है मैं ये बताना चाहता हूं छोटा सा पॉइंट कि ये हमारे शरीर के अंदर के एंटीबॉडीज को सक्रिय करने का काम भी करती है अब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे शरीर में इसकी इसकी मात्रा कम हो जाती है और यही रीजन है कि जो बूढ़े लोग होते हैं जो ओल्ड लोग होते हैं वो जल्दी से बीमारियों से रिकवर नहीं कर पाते क्यों क्योंकि उनके शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा कम हो जाती है ड्यू टू दिस ग्लैंड ये फैक्ट भी आप यहां पर समझिएगा तो अच्छा क्वेश्चन पे क्या है थाइमस होने वाला है ठीक है थायमस इज अ राइट आंसर देखिए यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए

अगर वन बाई टेन सेकंड से कम की स्पीड से या वन बाई टेन सेकंड से पहले आपकी कोई ध्वनि आ रही है आपको वो सुनाई नहीं देने वाली तो उसका आंसर हमारा सी हो जाएगा सी इज द राइट आंसर बताइए जल्दी से कि किनवन एक यहाँ पे आ, क्या बोल रहा है फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ये क्वेश्चन बहुत प्यारा देखिए पूछा गया कि किनवन की क्रिया यहाँ पे किसके बिना प्रोसेस नहीं हो सकती तो किनवन की बेटा जो प्रोसेस की जाती है वो की जाती है एंजाइम के द्वारा लॉजिकली है अगर मैं एंजाइम की बात करूं तो एंजाइम को देखिए बच्चे यहाँ पे जैव उत्प्रेरक बोलते हैं क्या बोलते हैं जैव उत्प्रेरक ये भी यहाँ पे जरा समझना इसको हम सिंपल सी भाषा में देखिए बच्चे क्या बोलते हैं बायो बोलते हैं

कौन सा पादक पोषक उपस्थित होता है जो यहाँ पे उर्वरक में भी पाया जाता है कि वो कौन सा पोषक तत्व है जो हड्डियों में भी है और यहाँ पे प्लांट्स में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उर्वरक होते हैं उसमें भी पाया जाता है अब जरा सुनो छोटा सा पॉइंट देखिए सुनो सुनो यहाँ पे चाहे हम यूरिया की बात करें या हम देखिए फर्टिलाइजर की बात करें तो इन सब के अंदर एक चीज कॉमन होती है जिसे बोलते हैं फास्फोरस क्या बोलते हैं फास्फोरस और हमारी हड्डियों के अंदर भी क्या चीज मिलती है फास्फोरस मिलती है लॉजिकली है देखिए हमारी हड्डी बनती किससे है हमारी हड्डी बनती है कैल्शियम फास्फेट से हड्डी का निर्माण कैसे हुआ है भैया तो हड्डी का निर्माण हुआ कैल्शियम फॉस्फेट से आप यहाँ पे जरा समझो तो हड्डियों के अंदर यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है मतलब फॉस्फरस पाया जाता है और ये फॉस्फोरस हमारे जब बात करते हैं फर्टिलाइजर बनाने में भी मदद करता है फर्टिलाइजर तो हो जाएगा क्या हो अब कुछ बच्चे में नहीं लाया जाता है बनाने के लिए साथी हम जब बात करेंगे, तो क्या यूज करते हैं तो यूज करते हैं किसका फॉस्फरस का अभी बच्चा पूछ रहा है हमसे सर ये लाइव क्लास के अंदर एड क्यों आते हैं बेटा मैं क्या करूँ ये मैं तो लाता नहीं हूँ यूट्यूब से पूछो सिंपल सी बात है यूट्यूब वाले लाते हैं क्या करें भाई साहब सिंपल सी बात है ना अब इसमें बेटा मेरा, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है समझो इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं कि मैं ऐड लेके आता हूं मैं ऐड लेके नहीं आता सोचो अगर मैं ऐड लेके आ रहा होता ना तो पाओ तुम्हारे लिए एड बह छोटी चीज है हटवा देता मैं कैसी बात करते हो तुम लोग यार नालायकों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से इनमें से देखिए हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे किसको देखिए बेटा बायोडिग्रेडेबल माना गया सर यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है ये छोटा सा पॉइंट सुनो ध्यान से कि एक समय के बाद ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगा ये भी आप जरा समझिए छोटा सा पॉइंट है क्या चमड़ी की बेल्ट बेटा ऑटोमेटिकली खत्म होने वाली है नहीं होने वाली है क्या देखिए बेटा यहाँ पे हम जब बात करते हैं देखिए लोहे की कील होती है नहीं होती है प्लास्टिक कागज नहीं होती बेटा चमड़े की बेल्ट हो जाएगी सुनो ध्यान से तो इसमें देखिए ऑप्शन चमड़े की बेल्ट लगा दीजिएगा आंसर है है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि हाइड्रा बेटा किस तरह से प्रजनन करता है हाइड्रा में कैसा प्रजनन होता है सुनो हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा में होने वाला जो प्रजनन है बेटा उसे बोलते हैं मुकुलन क्या बोलते हैं मुकुलन तो हाइड्रा के अंदर होने वाले प्रजनन को कहते हैं मुकुलन जिसे बोलते हैं क्या बड़ी और मैं ये बताना चाहता हूं छोटा सा पॉइंट कि ये एक तरह का अलैंगिक प्रजनन होता है अलंगी प्रजनन मतलब अलंगी प्रजनन मतलब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक छोटा सा पार्ट माना गया है नेक्स्ट बताइए जल्दी से बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी जो भोपाल गैस कांड हुआ था तो भोपाल गैस कांड में यहां पे कौन सी गैस लीक हुई थी भैया तो आंसर है एम जिसे बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइट देखिए दो और तीन दिसंबर उन्नीस की बात हम करते हैं तो भोपाल के अंदर यहाँ पे फैक्ट्री हुआ करती थी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री और यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में यहां पे गैस लीक होती है जिसका नाम है एम गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस और वो गैस जब यहाँ पे रिएक्शन करती है तो बहुत ही ज्यादा जहरीला तत्व तो बनाती है सायना, बनाती है तो यहाँ पे एम गैस को लीक किया गया और यही रीजन था कि इसके बाद हमारे भारत में फैक्ट्री से संबंधित बहुत सारे जो लॉस थे लॉ मतलब नियम थे वो बदल दिए गए थे तो इसका आंसर हमारा एम हो जाएगा ठीक है क्लोरो की बात करते हैं बच्चे तो इससे हमारे आसपास देखिए मिलने वाली जो ओजोन की परत है वो डिप्लीट हो जाती है ठीक है अच्छा क्वेश्चन बन जाता है नेक्स्ट बताइए जल्दी से कि किन परिस्थिति तंत्र में घास समुद्री अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा इकोसिस्टम है जहां पे ग्रासलैंड्स रीजन पाए जाते हैं बेटा घास के मैदान कहां मिलेंगे क्या समुद्र में मिलते हैं नहीं मिलते शुद्ध जल में मिलते हैं नहीं मिलते भूमंडल पे पाए जाते हैं सिंपल सी बात है तो जो घास के मैदान है बच्चे वो कहां मिलते हैं भूमंडल पे पाए जाते हैं सिंपल सी बात है बोलो हाँ या ना। अच्छा क्वेश्चन है ये तो घास के मैदान बेटा कभी पानी के अंदर नहीं मिलते हैं घास के मैदान कहां मिलते हैं तो आपको बताऊं कि घास के मैदान बच्चे कहां मिलते हैं तो सिंपल सिंपल भूमंडल में पाए जाते हैं लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं ठीक है बताओ कि यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान होता है बताओ जल्दी से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं कितना कंट्रीब्यूट करते हैं कि उनके गुणसूत्रों का आधा करते हैं उनके गुणसूत्र का तीन चौथाई करते हैं सभी ये से भी सभी गुणसूत्र लेके आते हैं या उनके गुणसूत्र का एक चौथाई लेके आते हैं तो आंसर बेटा हमारा बी ही नहीं होगा आंसर ए हो जाएगा यस तो जो अलैंगिक प्रजनन होता है जो 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 सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मैं बताना चाहता हूं कि पेरेंट्स बेटा आधा आधा गुणसूत्र देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में 46 सिक्स क्रोमोजम्स होने चाहिए मनुष्य में तो तेईस पापा से आएंगे और तेईस मम्मी से आ रहे हैं तो तेईस तेस के होंगे फोर्टी सिक्स हो गए तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो आधा आधा लेके आते हैं जो हमारे

नहीं बताऊं कि ये क्वेश्चन अच्छे हैं यहाँ से संभावना बहुत ज्यादा है एग्जाम में पूछे जाने की देखो सुनो आपको मैं छोटा सा पॉइंट है जो बताता हूं देखो ध्यान से सुनो सबके सब देखो बच्चे यहां पे हम जब बात करते हैं तो यहां पे जो आंसर हमारा होने वाला वो है लाइक एन यस लाइकिन की देखिए हम जब बात करते हैं बच्चे तो लाइकन यहाँ पे बनता कैसे है तो लाइकन बनता है सहजीवी संबंध से सहजीवी संबंध बच्चे देखिए क्या है यहाँ पे तो लाइकिन यहाँ पे दो चीजों से मिलकर बनता है तो ये बनाता है एक तरह का देखिए सहजीवी संबंध क्या बनाता है सहजीवी संबंध बनाता है तो ये सहजीवी संबंध मतलब कैसा तो ये देखिए शैवालों के साथ में भी पाया जाता है और साथ ही साथ हमारी जो फंगाई होती है कवक होते हैं उनके साथ में भी पाया जाता है आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि इनके द्वारा बनने वाला सहजीवी संबंध बेटा क्या कहलाता है तो यहां पे सहजीवी संबंध को बोलते हैं हेलोटिज्म 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 क्या क्या बोलते 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 हैं 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 ये क्वेश्चन बनता है 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 बहुत प्यारा है. कि सर यहां पे बनने वाले को क्या बोलते है? तो आंसर है. लॉजिकली है सारी बातें सुनो ध्यान से दूसरा पॉइंट सुनो ये जो लाइकिंस होती है ये यह लाइकिंस यहाँ पे बहुत अच्छे माने जाते हैं किसके लिए वायु प्रदूषण का सूचक क्योंकि जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है जहां पे वायु प्रदूषण ज्यादा होता है वहां पर ये नहीं पाए जाते तो अगर लाइकिन नहीं मिल रहे हैं कहीं पर इसका मतलब है कि पे है, वाकी क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो चुकी है कारण नहीं है कौन प्रदूषण का कारण नहीं है <coughs> पेट्रोल का जलना होता है रबड़ का जलाना होता है उपयुक्त सभी नहीं है तो आंसर यहाँ पे क्या देखिए बच्चे तो आंसर है सूर्य का प्रयोग है देखिए सूर्य ऊर्जा का प्रयोग है अरे यार बच्चों वाला क्वेश्चन देखो बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन गेल्बेनाइजेशन का अर्थ होता है स्टील के ऊपर किसकी परत चढ़ाना देखिए बेटा गेलबनाइजेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं यशद लेपन बोलते हैं और ये जो यशद लेपन होता है बेटा यहां पे जिंक की पतली सी परत को चढ़ा दिया जाता है क्यों चढ़ाते हैं देखिए जिंक हमारा एक्टिव मेटल है ये हमारे स्टील को लोहे को बचा देता है तो यहां पे समझ समझिएगा इजी क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट है देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड को यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो स्वच्छ ऑक्सीजन है जो हमारे शरीर के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन है है इसकी कमी हो चुकी है, तो अगर आपको गलती से कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा ले लिया अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे आग लग गई और आग लगने पर कहीं पे फंस गए तो जो धुआं है वो आपके शरीर में ज्यादा जाएगा तो उस धुएं से बचने के लिए खुली हवा में चले जाए तो उस व्यक्ति को यहाँ पे ताजी ऑक्सीजन देना चाहिए तो आंसर हमारा ए हो जाएगा बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में कितने बायोस्फेर रिजर्व है देखिए जैव मंडल है तो भारत में देखिए बच्चे यहाँ पे अठारह जैव मंडल है इस बात को जरा समझना देखिए फर्स्ट की बात करते हैं और हम लास्ट की बात करते हैं जरा ये भी सुनो ध्यान से तो पहला देखिए बच्चे कौन सा है नीलगिरी है कौन सा पे नीलगिरी है यहाँ पे देखो ध्यान से तो नीलगिरी को देखिए 1986 में बनाया गया था और लास्ट जो है बेटा वो कौन सा है अठारवा है और अठारवा कौन सा देखिए तो अठारवा है पन्ना जो हमारा कब बना था 2011 में बना था तो क्वेश्चन बनता है सर कितने जब मंडली क्षेत्र है अठारह जम मंडली क्षेत्र है तो पहला कौन सा है नीलगिरी और दूसरा लास्ट कौन सा है पन्ना है लॉजिकली है ये फैक्ट भी यहाँ पे समझेगा तो नीलगिरी नाइनटीन में बना था बताइए जल्दी से इनमें से इनमें से निकलने वाले प्रदूषित जल को प्रदूषण की जांच करने के लिए कौन सी जंगली घास का उपयोग लिया जाता है देखिए आपको बताऊं कि जिस जगह पे प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है खासकर जल प्रदूषण वहां पे देखिए बेटा यहां पे हाइसेनित यानी कि जल कुंभी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और ये जल कुंभ इतनी ज्यादा मात्रा में फैलती है क्योंकि ये बहुत तेज गति से फैलती है तो जहां पर जहां पर भैया जहां पर ज्यादा मात्रा में जल प्रदूषण होगा वहां पर जल कुंभ आपको ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगी और मैं बताना चाहता हूं छोटा सा पॉइंट कि एक समय बंगाल राज्य में इतनी ज्यादा थी कि इसे बेटा बोलते हैं बंगाल का टेरर क्या बोलते हैं बंगाल का टेरर तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बंगाल राज्य में ये जलकुंभी इतनी ज्यादा पाई जाती थी कि इसने सारे के सारे जो पानी के सोर्सेस थे वो खाली कर दिए थे क्योंकि इससे एवोप्रेशन बहुत तेज गति से होता है बहुत तेज गति से होता है तो यहाँ पे जल कुंभी यहाँ पे जहां पे पानी के ऊपर पाए जाएंगे वहां पे ये खत्म कर देते हैं पानी के सोर्स को क्योंकि एवोपरेशन रेट बहुत ज्यादा होता है तालाबों को सुखा देते हैं तो ये वाटर ग्राउंड का जो वाटर लेवल है उसे कम कर देते हैं तो इसे बंगाल का टेरर बोलते थे क्योंकि बंगाल में अकाल पड़ता था और अकाल पड़ता है वहां पर जल है तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो सिंपल सी बात है हमारा जलकुंभ इज द राइट आंसर ठीक है बताइए जल्दी से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है अरे भाई साहब एक ही ऑप्शन है कौन सा सोडियम सोडियम की जब बात करते हैं भैया तो सोडियम बहुत ज्यादा हल्का होता है चलो बताओ जल्दी से शीत ऋतु के समय प्राणियों में निष्क्रियता अवधि को क्या कहते हैं देखिए अक्सर ये क्वेश्चन भी अच्छा है सुनो होता क्या देखिए भैया कि जब सर्दियां आती है ना तो बहुत सारे जानवर आलसी हो जाते हैं मतलब वो बोलते हैं कि छोड़ो यार शिकार विकार कौन करे बैठे रहो आराम से सो जाओ लंबे समय के लिए सो जाओ जैसे भालू होता है तो भालू सो जाते हैं पांच छह महीने के लिए इकट्ठे तो ये जो अवस्था होती है बेटा उसे बोलते हैं डोरमेसी क्या बोलते हैं डोरमेसी मतलब सुसुत अवस्था तो सर्दियों के समय के अंदर बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो सोने चले जाते हैं आराम करने चले जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं डोरमेसी की अवस्था बोलते हैं ठीक है ठीके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये है कि पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि बहुत बढ़ जाएगी यदि हम सब क्या खाना स्टार्ट कर दें मांस खाना शुरू कर दें अंडे खाना शुरू कर दें सीख खाना शुरू कर दें या पादप उत्पाद खाना शुरू कर दें अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि सभी के सभी यहाँ पे बेटा क्या हो जाए शाकाहारी हो जाए तो इससे हमारे पृथ्वी पर देखिए बच्चे जो जनसंख्या वो बहुत बढ़ जाएगी ये फैक्ट सही बात है बिल्कुल सही बात है यस क्योंकि आपको बताओ कि जनसंख्या कंट्रोल में कहने के मनुष्य भी बड़ी भूमिका निभाता तो साथियों ये थे हमारे आज के पचास क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आप सब कैसे इसका सही देने वाले हैं क्यों देने वाले हैं क्योंकि बेटा देखो ये वो क्वेश्चन थे जहां पे आप गलती करके आते आप बोलते भैया सिंपल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको टफ लगते अगर आप इसका नहीं कर पाते क्योंकि ऑप्शन में गड़बड़ दी गई थी कहीं कहीं तो मैंने आज आपकी वो सारी सारी समस्या भी सॉल्व कर दी उम्मीद करता हूँ साथियों आपको बहुत पसंद आएगा तो मैंने क्या कहा देखिए साथियों कि आज की जो क्लास है वो क्वालिटी क्लास है लेकिन इसमें मैंने क्वांटिटी का भी ध्यान रखा है तो क्वालिटी और क्वांटिटी का परफेक्ट बैलेंस थी क्लास मैं पूरी उम्मीद करता हूं बहुत कुछ पसंद आएगा बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और यदि आपको इसी तरह के शानदार सरप्राइजेस चाहिए तो बेटा आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़िए परसों सुबह ग्यारह बजे बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है और रोज अभी प्रैक्टिस में करा रहा हूं बस आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ देखिए कि लाइक मारे सबके सब शेयर मारे और मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट चाहिए इस क्लास के अंदर तो देखो कमेंट करना बहुत जरूरी है तुम लोग जो यहां पे करो बेटा वो मत करो जो करना है वो क्लास के बाद यहां पे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करना ठीक है ठीके? और हम मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट कल के सेशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से तब तक के लिए जय हिंद जय भारत राधे राधे